दर्शकवृन्द नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई जम्का भिडियो रुममा। आज भने नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेको छु। आज हाम्रो टिम पुगेको छ बर्गर बनाउने ठाउँमा, तपाईँहरूलाई देखाउँदै गएछु। यो तपाईँले देख्नुहुन्छ बर्गर कसरी बन्दो रहेछ भनेर मैले यो भिडियो तपाईँहरूमा ल्याएको छु। पक्कै पनि यो भिडियो सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। यो तपाईँलाई देख्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ समौली भन्छ है, डोसा समौली बर्गर बनाउने ठाउँमा हाम्रो टिम पुगेको छ। सर्वप्रथम यसरी आँटा यो मसिनमा मसिँदो रहेछ, आँटामा खमिरा लगाइदो रहेछ अनि पानी आँटा मस्न पर्छ। जिम्मा पनि चल्दैछ, जिम्मा पनि चल्दा कितना किलो बन रहा? दस किलो। कितना बर्गर बनेगा 10 किलो में? बनाएगा कितना बनेगा? समोली बनाएगा 60 और बर्गर बनाएगा 30 कलर बर्गर। इसका समौली बनेगा, समौली सैंडविच का है, सैंडविच वो इस दिनों सैंडविच बनाया ना वाला। ये बहुत बढ़िया बन रहा, ये हमसे नहीं बनेगा। ये इसको मक्कीना है, मक्कीना बनाने वाला, लेकिन थोड़ा सा है ना। अच्छा अच्छा, इसलिए मैं हाथ से बनाऊँ। तो हाथ से ही बन रहा है तो अब कहाँ मशीन बनाएगा? ये कितना का? 130 ग्राम का। हाँ, 130 ग्राम है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या आटा में क्या मसाला भी डालना पड़ता है क्या? मैदा में खमीरा, बटाटा का पाउडर, आलू का पाउडर, और दाल का पाउडर है। दाल का पाउडर भी डालना पड़ता है? और दाल और दूध का पाउडर है, दूध भी डालना पड़ता है इसमें। नमक भी डालना पड़ता है, घी भी, तेल भी। सऊदी में वो बोलता है ना, क्या नाम है, जिद्दा बोलता है ना। वालेकुम सलाम। ये क्या बन रहा भाई? ये बर्गर है। बर्गर? हाँ बर्गर। बुर ओ डाइट वाला है। मालूम डाइट वाला है? कितने साल से काम कर रहे हो आप? मैं 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, फुल एक्सपीरियंस है आपकी। ये इसमें बनेगा बर्गर? हाँ, इसी में रखेगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गोल गोल कैसे बन रहा है? हमसे तो बनेगा नहीं ये, आटा से बाद में पहले इधर से काटेगा मालूम, इस मशीन में। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले इधर काट के बाद में इधर रखा है, इधर गोल बनाना पड़ता है, बाद में इधर रखेगा, इधर बाद में फूलेगा। ये क्या है? ये तीन है, तिल। हाँ तिल। क्या करते हैं इसको? ये बर्गर के ऊपर लगाएगा। साथीहरू, आज बर्गर बनाउने ठाउँमा आएको छु म। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ,
इसको टाउक में लगाने पड़ना चाहिए थे। ये हमारा बांग्लादेश का भाई मालिम है अभी। सैलरी कितना मिलता है आपकी? सैलरी नहीं है भाई। क्यों? सैलरी नहीं है। कम से कम आपकी तो 2-3 हज़ार होगी, 3 हज़ार रियल। इसमें डालना पड़ता है। ये क्यों काट रहे भैया? बाद में डिजाइन होगा ना। हाँ, डिजाइन के लिए। वाह, ये तो डिजाइन को लाइक काटने पर मिलता है। डिजाइन इसमें डालेगा। हाँ, ये ओवन है। कितना मिनट रखना पड़ता है इसमें? 20 मिनट। ये ओवन में भी डाल दिया क्या? ये ओवन है, पूरा गर्म है, इधर गाड़ी चल रहा है। बाहर से दिखाई देता, अंदर घूम, अंदर ऐसे घूम, अंदर घूम रहे ऐसे भी। पानी मारा है, पानी भी मारना पड़ता है इसमें राइट करने के लिए। और निकालने का तो फिर तेरा वीडियो आउला। अब कैमरा कैमरा देखने मैं लजाने मैं गाड़ो होता नहीं निकालेगा, कितना गंदा सेलाएपछि अब चाहिँ हामीले यो ढोसा समौलीलाई चाहिँ यसरी यस्तो मसिनमा हाल्नुपर्छ। मसिनमा हालेपछि यसको बिचको भाग काटिनको लागि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भित्र घुमिराखेको छ मोटरले, एउटा चाकु जस्तो घुमाउँछ, गोलो हुन्छ, त्यो चाहिँ यसको बिचको भाग काट्नको लागि, सजिलो हुनको लागि तपाईँले देख्नुहुन्छ। माथि एउटा हाल्नु भएको हाल्दै छ भने तलबाट यसरी निक्लिन्छ, साइड साइड कटिन्छ। यो बिचको कटिङ गर्नको लागि सघाउँछ
यहाँ क्या होता है इसे, इसमें डाल रहे से काटा है ना, ऐसा करके काटने के लिए इसमें कटता है। मुर्गी रखेगा ना, हाँ चिकन रखेगा, चिकन लहान चिकन मटन सब रखेगा। एक यार।